ये है चैनपुर। अब हम लोग पहुँचेंगे चैनपुर से सिवान, ठीक है। ये है मेरा छोटा भाई वसीम। तो एटलीस्ट हम लोग अभी रुके हुए हैं बूट पॉलिश कराने के लिए। जैसे ही बूट पॉलिश हो जाता है उसके बाद हम लोग चलेंगे सिवान। तो सिवान एटलीस्ट 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो चलो हम लोग मिलते हैं सिवान में। और ये हम लोग का एक छोटा मोटा बाइक है, इसी बाइक से हम लोग चलेंगे। तो ये है नावा गांव। नावा गांव की नया गांव, नया गांव। और एटलीस्ट मैं अब दिखाता हूँ कि मैं कहाँ कोचिंग पढ़ता था, ठीक है। ये यहाँ पर एक देखो संजय बाबू का हाथा करके है, ठीक है। इसी में मैं कोचिंग पढ़ता था, ठीक है। ये इसी में मैंने 9 और 10 का कोचिंग यहाँ से किया है। और ये मकतब स्कूल के सामने। तो आपका भाई आपको लेके चलता है सिवान, और सिवान हम लोग अपना देखेंगे कि सिवान में क्या करता है। और ये मेरा छोटा भाई चला रहा है। एटलीस्ट मेरा छोटा भाई नहीं है, मेरे चाचा का लड़का है। चलो हम लोग चलते हैं सिवान, और सिवान में जाकर वहाँ पर देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये वीडियो तो कल अपलोड होगी या शाम को अपलोड होगी जब मैं सिवान से वापस आ जाऊँगा। तो हम लोग थे यहाँ पर, एक पेट्रोल पंप है वहाँ पर। पेट्रोल पंप पर 109.58 यानी 109.58 रुपया प्रति लीटर का पेट्रोल डाले हैं। और आपका भाई जहाज़ पर रहता है तो आज तक डीजल की कमी नहीं हुई, लेकिन बाइक पर डालते थे कि डीजल की कमी। तो हम लोगों ने 102 का पेट्रोल डाला है। आप देखते हैं इसका कुछ सामान पहुँच पाते हैं। चलिए अपने सामान चलते हैं। बाइक पर बैठे हुए सामान जा रही है, चलिए ओके। तो जिन लड़कों को पता होगा ये हम लोग अभी हसनपुरा में एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है। हम लोग की बाइक चल रही है और ये हम लोग हसनपुरा में। वो लड़के हसनपुरा से होंगे, उनको तो पता ही होगा ये लोकेशन। एटलीस्ट आप देखते रहो, आपका भाई पहुंच रहा है सिवान। और सिवान पहुंचने के बाद थोड़ा शॉपिंग होगी, और दरबार सिनेमा में हो सकता है कि हम लोग बिरयानी वगैरह खाएँ। लेकिन भाई आपका जहाज पर बिरयानी इतना खाया है कि बिरयानी खाने का तो मन नहीं है। चल जा रहे हैं तो चलो, आप रुकना क्या है। आए ट्रैक्टर वाला करेगा। उसकी अम्मी भी बैठी हुई थी। अच्छा। तो लग रहा था शायद मार्केट वगैरह सब जा रही हैं। पूरा बाजार है, सभी को पता ही होगा हसन पूरा बाजार। ये आप देख रहे हो, अभी 17 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग को तय करना है। तो चलो अब हम लोग सिवान पहुंचते हैं, तो देखें क्या होता है। मेरा भाई बोला कि गोपालपुर का मस्जिद आ गया है, तो इसका भी फोटो लेना ज़रूरी है। तो हम लोग एटलीस्ट पहुँच चुके हैं गोपालपुर में, और ये गोपालपुर का है मस्जिद। अच्छा मस्जिद। और एटलीस्ट आज रात को दशहरा मेला घूमने में जाऊंगा, तो उसका भी प्रॉपर वीडियो आएगा चैनपुर का दशहरा मेला, क्योंकि मेरे को मेला घूमे हुए एटलीस्ट 7-8 साल हो गया है। कोलकाता का तो आपने विजिट किया ही होगा। तो चलो गोपालपुर है ये, आगे की ओर जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये सिवान में इकरा पब्लिक स्कूल करके बना हुआ है स्कूल। ये है इकरा पब्लिक स्कूल, ये अभी डेवलप हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, डेवलप हो रहा है। इकरा पब्लिक स्कूल, इकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये इकरा पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो ये अभी डेवलप हो रहा है।
और सिसवन ढाला का तो हाल यही है, लीची एक्सप्रेस है। तो आपका भाई आ गया है सिवान, ठीक है, अब जाएगा थोड़ा मॉल में शॉपिंग वगैरह करेगा, तो देखते रहिए। बताओ सिवान डेली पढ़ने के लिए आती है, कितना अच्छा रह जाती है। एलिना नर्सिंग होम है वो, ठीक है। क्या क्या, अब हम लोग जा रहे हैं बबुनिया मोड़ की तरफ। बहुत लड़के नाम सुने हैं बबुनिया मोड़, तो यही बबुनिया मोड़ है, थोड़ा सा और आगे। चलो बबुनिया मोड़ की तरफ तो पहुंच गए। फेमस है लाल कोठी, आराम से आराम से। ये लाल कोठी है सिवान का फेमस, लाल कोठी सिवान का। देखना आगे चेकिंग हो रहा है, इधर लेफ्ट साइड में मुड़ना है। इधर से लेफ्ट साइड में मुड़ जाए। तो आइए बबुनिया मोड़ के पास हम लोग आ चुके हैं। चलो आराम से। और ये तनिष्क छपरा में भी मैंने आपको दिखाया था, तनिष्क छपरा में भी है और यहाँ पर। तो एक्चुअली सिवान में हम लोग पहुँच चुके हैं और वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है पीछे, वो डॉक्टर मुमतजीर का है। तो अब यहाँ से कुछ काम वम करेंगे हम, उसके बाद फिर अपने घर वापस लौटेंगे। ये है झगड़ावा बर, नाम आपने सुना होगा झगड़ावा बर। सिवान आए हुए बहुत टाइम हो गया लेकिन झगड़ावा बर मेरे को याद है। चलो सीधा चल, चलो झगड़ावा बर यही है। और आपका भाई आ गया, ये विशाल मेगा मार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपका भाई शॉपिंग करेगा कुछ, और एटलीस्ट ये शॉपिंग थोड़ा कर लिए हैं, लेकिन अब इन विशाल मेगा मार्ट से भी मैं कुछ हल्का फुल्का शॉपिंग करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं क्विट करूँगा और घर जाऊँगा। तो विशाल मेगा मार्ट में आ गए हैं और इसका सूप कलेक्शन करना है। ये सूप खोज रहा है, उसको इस हिसाब से सूप मिल नहीं रहा है। तो देखते हैं सूप का काउंटर किधर है। इधर टॉयलेट वाला है। एक्चुअली मैं तो यहाँ पर आया था कि शॉपिंग ज़्यादा करूँगा आपका भाई विशाल मेगा मार्ट में, लेकिन स्टाफ ऐसा है तो यहाँ से मैं एक भी सामान नहीं खरीदूँगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा जगह और वहाँ से खरीदेंगे। सोचा था कि बहुत सारा यहाँ से शॉपिंग करूँगा, लेकिन मेरे को पता चल गया कि हाँ सिवान में कैसा स्टाफ होता है, ठीक है। तो मैनेजर से भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर भी नहीं आया हुआ अभी। संतोष सिन्हा करके कोई मैनेजर है, तो स्टाफ के साथ मेरा अच्छा नहीं हुआ रेपुटेशन। तो अब मैं दूसरा जगह चल के शॉपिंग करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ नहीं खरीदूँगा, तो चलो अब दूसरा जगह शॉपिंग करते हैं। शेरवानी तो हम लोगों ने वहाँ से ख़रीदा, अब दूसरा जगह से हम लोग शॉपिंग करेंगे। तो इस भाई को सूप पसंद कराना था, अभी इसको भी सूप पसंद नहीं आया, तो एटलीस्ट 12 बज जाएगा ये घर जाते जाते। तो चलो हम लोग चलते हैं, चलो आओ। तुमको सूप पसंद आया? हमको सूप नहीं पसंद आया। इसको सूप पसंद ही नहीं आया, ठीक है। तो स्टाफ से मैंने बोला पसंद करवाने के लिए, तो बोला कि मैं नहीं कराऊँगा। तो मैंने मैनेजर से बात की, तो मैनेजर अभी आया ही नहीं। तो हम लोग दूसरा जगह चलते हैं। तो सिवान का है, हम लोग तो छपरा में रहते हैं, लेकिन सिवान का ये कंडीशन है। ओके, तो आपका भाई सिवान से आ गया है शॉपिंग करके, और यहाँ पर एक आदमी मिलने आने वाला है, बहुत दूर महाराजगंज से आ रहा है। तो एटलीस्ट मैं चैनपुर में उसका वेट कर रहा हूँ, उसे मीटअप करके तब मैं अपना घर जाऊँगा, ठीक है।